अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो दोस्तों, बातें चल रही हैं हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी हैं। पहले क्लास में हमने तुम्हें बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्या क्या करना होता है वो समझाया था। दूसरे क्लास में हमने तुम्हें डायरेक्टिव इफेक्ट और एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट्स के बारे में समझाया था। आज के क्लास में हम लोग कुछ छोटे छोटे जो है प्रश्नों को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सपोज अपने पास एनिसॉल है, बेंजीन के साथ मिथॉक्सी लगा देते हैं तो इसको एनिसॉल कहते हैं। इसके साथ हम एक इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराएंगे, कह देते हैं इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस के जरिए हम दिखा देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एनिसॉल के ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर अगर तीनों जगहों पर रिएक्शन करें तो जो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट्स बनेंगे उन इंटरमीडिएट्स को बनाना है और उनके स्टेबिलिटी के बीच में कंपैरिजन करना है, राइट। इस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ना है, मेटा पर जोड़ना है, पैरा पर जोड़ना है और जो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट्स बनेंगे उनको बना करके उनकी स्टेबिलिटी में कंपैरिजन करना है। ओके, तो हमने बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दिया। हम जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर जोड़ेंगे तो प्लस यहाँ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस यहाँ आएगा। तो हमने क्या किया, हमने मिथॉक्सी ग्रुप लिख दिया, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर जोड़ा और यहाँ पर प्लस आने दिया, बाकी दोनों डबल बॉन्ड्स उसी तरह से पड़े रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर पहुंचा। अब इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन बोले तो यहाँ जोड़ना है, अगर इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ते हैं तो प्लस का चार्ज इधर आएगा, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हमारे हाथ में आया। इधर इलेक्ट्रोफाइल, इधर प्लस का चार्ज, बाकी दोनों डबल बॉन्ड्स उसी तरह से, मिथॉक्सी ग्रुप उसी तरह से। इलेक्ट्रोफाइल को इस पोजीशन पैरा पोजीशन पर जोड़ना है तो डेफिनेटली ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ेंगे हम। अगर इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस यहाँ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस उधर जाएगा, तो हम इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ेंगे, प्लस को यहाँ आने देंगे। तो ये तीसरा कार्बोकटायन बन करके हमको दिखाई पड़ा, बाकी दोनों डबल बॉन्ड्स उसी तरह से। इन तीनों की स्टेबिलिटी में कंपैरिजन करना है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज में अब रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज यहीं पर तो रुकेगा नहीं, फिर ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करोगे, मतलब पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करोगे, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो रेजोनेंस करके हम लोगों ने अगला स्ट्रक्चर बनाया, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दिया, पाई इलेक्ट्रॉन यहां से ब्रेक करके, और पाई बॉन्ड को यहां से ब्रेक किया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से उठा करके यहां लगा दिए, तो वहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अब इस कार्बन पर आएगा। ये डबल बॉन्ड और ये सारी चीजें उसी तरह से लिख दो। एक और स्ट्रक्चर बनेगा, इस यहां से पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉनों को यहां शिफ्ट कर ले जाओ, तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, प्लस का चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तीन स्ट्रक्चर हमने बनाए। तो पॉजिटिव चार्ज पहले रिंग के इस वाले पोजीशन पर था, फिर इस वाले पोजीशन पर पहुंचा, अब इस वाले पोजीशन पर पहुंच गया। इसी तरह से यहां पर भी तीन स्ट्रक्चर्स हमारे हाथ में आएंगे, इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट करोगे, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड उसी तरह से, इलेक्ट्रोफाइल उसी तरह से, OCH3 उसी तरह से। फिर अगला स्ट्रक्चर बनाओगे, इलेक्ट्रॉनों को यहां शिफ्ट करो, प्लस का चार्ज उधर चला जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी तीन स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम, इसको बाहर से ऐसे दिखा देते हैं, ठीक। यहां पर बॉन्ड बनेगा, यहां पर प्लस आ जाएगा। तो ये तीनों ही केसेज में
पहले जो स्ट्रक्चर बना वो ठीक, फिर रेजोनेंस करते कराते तीन तीन स्ट्रक्चर्स तीनों केसेज में हम लोगों ने बना लिए। तो कभी कभी पॉजिटिव चार्ज इधर उधर लिखने में तुम गलती कर देते हो, तो एक सिंपल सा चीज़ ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पर आया है तो अब अगली बार यहाँ नहीं आएगा, इसको छोड़कर यहाँ जाएगा। फिर जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया है तो अगली बार यहाँ नहीं आएगा, इसको छोड़कर यहाँ आएगा। तो एक एक कार्बन का गैप करके पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ता है। इस पैटर्न को अगर फॉलो करोगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने में जो कभी कभी तुमसे गलती हो जाती है वो गलती नहीं होगी। तो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा। सेम ही है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, इसमें यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो तीन तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर सभी में बने हैं। देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज ठीक ऑक्सीजन के पास पहुंच गया है, जिस कार्बन के साथ OCH3, जिस कार्बन के साथ मिथॉक्सी ग्रुप कनेक्टेड है, पॉजिटिव चार्ज वहीं पहुंचा है। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली उसी जगह पहुंचा है जहां पर ये मिथॉक्सी ग्रुप कनेक्टेड है। और यहां जो तीन स्ट्रक्चर है, तीनों में से कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज सीधे मिथॉक्सी के कॉन्टैक्ट में आता हो। तो पहले केस में तीन स्ट्रक्चर्स बने और तीनों में से एक स्ट्रक्चर ऐसा है जब पॉजिटिव चार्ज मिथॉक्सी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा, राइट। लास्ट वाले केस में जब इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजिशन पर है तो फिर से रेजोनेंस कराया, पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली उसी पोजिशन पर आ रहा है जहां पर मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। और जब इलेक्ट्रोफाइल ने मेटा पोजिशन पर अटैक किया हुआ है, मेटा पोजिशन पर रिएक्शन किया हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, लेकिन कभी भी वो मिथॉक्सी वाले कार्बन के कॉन्टैक्ट में नहीं आया है। तो क्या होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज मिथॉक्सी वाले कार्बन के कॉन्टैक्ट में आएगा? देखो मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक। हम इस स्ट्रक्चर को और उस स्ट्रक्चर को यहाँ सेपरेट बना लेते हैं। यहीं पर प्लस का चार्ज है और यहाँ पर मिथॉक्सी है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना देगा, ठीक। वो इलेक्ट्रोफाइल वैसे ही लिख दो, बाकी दोनों डबल बॉन्ड्स वैसे ही बना लो। तो जब यहां से लोन पर डोनेट करोगे तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर चला जाएगा। अगर कुछ बहुत ज्यादा बातें हम ना भी करें, सिर्फ थोड़ी सी सिंपल बातें करें, तब भी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये पॉजिटिव चार्ज की मदद कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज की मदद कर रहा है। और थोड़ी और गहराई में जाना चाहे तो बोलेंगे कि जब ऑक्सीजन लोन पर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पर प्लस आएगा, तो यहां पर जब प्लस कार्बन पर था तो क्या था? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। और जब ऑक्सीजन पर प्लस आएगा तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट रहता है। तो यहाँ कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो स्टेबिलिटी में काफी फायदा होगा। या सिंपल वे में बोलना चाहे तो इतना भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज की मदद कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा तो मिथॉक्सी ग्रुप उसकी मदद करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा तो मिथॉक्सी ग्रुप उसकी मदद करेगा। और इसमें ऐसा नहीं है, मिथॉक्सी ग्रुप पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में कभी नहीं आया, मिथॉक्सी ग्रुप कभी भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तो इन तीनों सिचुएशंस में से ये वाला सिचुएशन सबसे कम स्टेबिलिटी वाला सिचुएशन है, ये ज्यादा स्टेबिलिटी और ये भी ज्यादा स्टेबिलिटी वाला सिचुएशन है। और इलेक्ट्रोफाइल, हम लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करता है, मेटा पोजीशन पर अटैक करना पसंद नहीं करता है। उसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा तो बनने वाला कार्बोकैटायन काफी ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को सीधे सीधे मदद पहुंचाएगा। इलेक्ट्रोफाइल यदि पैरा पोजीशन पर अटैक करता है तब भी जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो काफी स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज को मदद पहुंचाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल ने मेटा पोजीशन पर अटैक किया तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो पॉजिटिव, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कॉन्टैक्ट में कभी नहीं आएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कॉन्टैक्ट में कभी नहीं आएगा तो उसको स्टेबिलिटी का फायदा नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा तब पॉजिटिव चार्ज की मदद कर सकता है, जब इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा तभी पॉजिटिव चार्ज की मदद कर सकता है, लेकिन जब वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आ रहा है, राइट। तो इसीलिए मेटा पोजिशन पर रिएक्शन नहीं हो पाता है, रिएक्शन ऑर्थो पोजिशन पर होता है और पैरा पोजिशन पर होता है। पिछले क्लास में जब इसी बात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेट किया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा रहेगी वहां रिएक्शन होगा, जहां कम रहेगी वहां रिएक्शन नहीं होगा। और आज ओपनिंग प्रॉब्लम में ही हम लोगों ने रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर जाने की कोशिश की कि यदि इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पोजीशन पर अटैक करे तो ऐसा ऐसा कार्बोकैटायन होगा,
मेटापोजिशन पर रिएक्शन करे तो ऐसा ऐसा कार्बोकैटायन होगा, पैरापोजिशन पर रिएक्शन करे तो ऐसा ऐसा कार्बोकैटायन होगा। कौन से सिचुएशन में कार्बोकैटायन को इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का फायदा मिलेगा और कौन से सिचुएशन में फायदा नहीं मिलेगा। तो ऑर्थो पोजिशन पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इसके कॉन्टैक्ट में आएगा घूमते फिरते, वहां पर देखो। पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तब भी ये पॉजिटिव चार्ज घूमते फिरते इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, यहाँ पर देखो। लेकिन जब ये मेटा पोजिशन पर अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, और कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के बावजूद उसका फायदा उसको नहीं मिल पाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम रहेगी, इन दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़्यादा रहेगी। तो ये दोनों रिएक्शंस अच्छे से होंगे और ये रिएक्शन या तो खराब होगा या तो नहीं होगा। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करता है, मेटा पर रिएक्शन नहीं करता। ठीक, ये इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। ठीक, क्यों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी? क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके इसको स्टेबल बना सकता है। इसमें भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, क्यों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी? क्योंकि ऑक्सीजन लोन पर डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना सकता है। तुम चाहो तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, कहोगे इसमें तीन ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर तीन तो बने ही बने हैं। जब ये ऑक्सीजन लोन पर डोनेट करेगा तो चौथा रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पर डोनेट करेगा तो चौथा रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो यहाँ चार चार रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी। हालांकि कभी कभी ये गड़बड़ भी कर देता है, तो इसीलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को काउंट करने की बजाय उनके क्वालिटी पर ध्यान दो कि उनका उनकी क्वालिटी क्या है, वो कर क्या रहे हैं। तो हमने इसीलिए सब में तीन तीन स्ट्रक्चर्स एक जैसे बनाए। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज तीन जगहों पर, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज तीन जगहों पर, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज तीन जगहों पर। फिर पर्सनली एक एक स्ट्रक्चर को चेक किया तो यहाँ दिखाई पड़ा कि पॉजिटिव चार्ज इसके कॉन्टैक्ट में है इसको स्टेबिलिटी मिलेगी इसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज इसके कॉन्टैक्ट में है स्टेबिलिटी मिलेगी इसकी वजह से, और जबकि यहाँ पर क्या है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये लेस स्टेबल, लेस स्टेबल या लीस्ट स्टेबल बोलो, इसीलिए रिएक्शन इस रास्ते पर बड़ी मुश्किल से आएगा या नहीं आएगा, ऑर्थो वाले रास्ते पर जाएगा, पैरा वाले रास्ते पर जाएगा। अरे इसी प्रश्न को अब थोड़ा बदलते हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख दिया, फिर से इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन ऑर्थो मेटा पैरा सभी पोजिशंस पर होने देते हैं, फिर से कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स को बनाते हैं और फिर से उनकी स्टेबिलिटी के बीच में कंपैरिजन करते हैं। राइट, चलो तो यहां पर जो मिथॉक्सी मिथॉक्सी लिखा हुआ है ये सब हटा करके हम नाइट्रो नाइट्रो लिख देते हैं। मिथॉक्सी के बदले में नाइट्रो लिख दिया, नाइट्रो, यहां पर भी नाइट्रो, जहां जहां मिथॉक्सी था नाइट्रो कर दिया। तो फिर से तीन तीन स्ट्रक्चर सब में ऐसे ही बन जाएंगे। और अब स्टेबिलिटी की बात करोगे तो नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है। तो जब पॉजिटिव चार्ज नाइट्रो के कांटेक्ट में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींच करके इसकी स्टेबिलिटी को और कम कर देगा। नॉर्मल में जितनी स्टेबिलिटी होती है, नॉर्मल सिचुएशन में जितनी स्टेबिलिटी होती है, नाइट्रो के प्रेजेंस में इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक, तो ये इट इज स्पेशली अनस्टेबल। इसी तरह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज जब नाइट्रो के कांटेक्ट में आएगा तो ये भी स्पेशली अनस्टेबल, वो भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। तो तीन स्ट्रक्चर्स मिले, तीन में से एक तो बेकार है अनस्टेबल, इसको हटाओ। यहां भी तीन स्ट्रक्चर्स मिले, तीन में से एक बेकार है अनस्टेबल, इसको हटाओ। इसमें तीन स्ट्रक्चर्स मिले हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रो ग्रुप के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब नाइट्रो ग्रुप के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसको नाइट्रो ग्रुप से होने वाला जो नुकसान है, वैसा नुकसान जैसा वहां पर हो रहा है, जैसा यहां पर हो रहा है, वैसा कोई नुकसान यहां पर नहीं होगा। मतलब इन तीनों में ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है ये मोस्ट स्टेबल। और ऐसा मत समझना कि ये तीन अलग अलग चीजें, एक ही चीज के तीन रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक, तीनों मिलाकर एक ही चीज को प्रेजेंट करते हैं। तो यहां जो कार्बोकैटायन मिल रहा है
वो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी डायरेक्ट नाइट्रो के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, रिएक्शन इसी रास्ते पर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, राइट? ऑर्थो पर नहीं जाएगा, पैरा पर नहीं जाएगा। तो इस वे में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन क्यों ऑर्थो पर होता है, क्यों पैरा पर होता है, क्यों मेटा पर होता है, उसको हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में इसी चीज को, ऑर्थो पैरा मेटा पर रिएक्शन कब होता है, कैसे होता है, इसी चीज को हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेट करने की कोशिश करी थी। और आज के क्लास में ओपनिंग क्वेश्चन ही हम लोगों ने रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर जाते हुए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करी। चलो, एक्सरसाइज के अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न तुम्हारे लिए हमने सोचा है कि हम बेंजीन रिंग के साथ कुछ ग्रुप्स लगाएंगे। जैसे हमने लगा दिया NH2, हमने लगा दिया OH, हमने लगा दिया OCH3, हमने लगा दिया N के साथ एक H और एक COCH3, और फिर हमने लगाया OCO। तो ठीक है, इसको छोड़ते हैं। हमने लगाया मिथाइल, देन क्लोरो, देन CO, कह दो O, यहां पर कुछ एल्किल ग्रुप R कर दिया, देन COH कर दिया, देन NO2 कर दिया। ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। इसमें हम लोगों को खोजना है कौन कौन से सिचुएशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा, कौन कौन से सिचुएशन में मेटा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा, कौन कौन से सिचुएशन में जो रिंग है तुम्हारा एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड मतलब बेंजीन की तुलना में आसानी से रिएक्शन करेगा, कौन कौन से सिचुएशन में जो रिंग है वो डीएक्टिवेटेड है, और फाइनली इन सभी को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हमको इतनी सारी चीजें इस इन कंपाउंड्स के साथ करना है। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर कहाँ अटैक करेगा खोजना है, मेटा पर कहाँ अटैक करेगा खोजना है, कौन कौन से सिचुएशन में रिंग एक्टिवेटेड है मतलब बेंजीन की तुलना में आसानी से रिएक्शन करेगा, कौन कौन सी तुलना में रिंग डीएक्टिवेटेड है मतलब बेंजीन की तुलना में मुश्किल से रिएक्शन करेगा, और इन सभी की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन भी करना है, कहाँ पर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम मैनेज करना है। ओके, तो देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। CH3 में लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन कार्बन जो है वो इधर हम ऐसे लिख दें, H H और H, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसको तुम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हो। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, फिर बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को भी तुम अपनी तरफ खींचोगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचोगे। नाइट्रो का स्ट्रक्चर बनाओगे तो एन डबल बॉन्ड ओ, एन सिंगल बॉन्ड ओ, ओ पर माइनस, एन पर प्लस, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, डोनेट किया, डोनेट किया, डोनेट किया, डोनेट डोनेट एंड डोनेट किया, ये सब क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो जाएंगे।
और जहां जहां इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो सब क्या है, मेटा डायरेक्टिव हो जाएंगे। तो ये सॉल्ट, ये सॉल्ट, कहां कहां पर रिंग एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड रिंग क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड रहता है तो हम कहते हैं रिएक्शन आसानी से होगा और रिंग को एक्टिवेटेड बताते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन मुश्किल से होगा और डीएक्टिवेटेड बताते हैं। तो ऊपर वाली लाइन में सारे के सारे ग्रुप्स डोनेटिंग टाइप के दिख रहे हैं, नीचे वाली लाइन में सारे के सारे ग्रुप्स विथड्रॉइंग टाइप के दिख रहे हैं। तो एक सिंपल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये सब एक्टिवेटेड है और ये सब डीएक्टिवेटेड है। ये सब एक्टिवेटेड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिएक्शन को आसान बनाता है। कैसे आसान बनाता है, तो दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि जब रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज्यादा रहेगी तो रिएक्शन आसान, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी तो रिएक्शन मुश्किल। तो ये ऊपर वाले सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा करके रिएक्शन को आसान बनाने में लगे हुए हैं, और नीचे वाले सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को खींच करके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक्टिवेटेड, ये डीएक्टिवेटेड। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन भी है, इस पर अभी हम लोग थोड़ा सा अलग से डिस्कशन करते हैं। ठीक, इसको थोड़ा छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए तो ये सारे के सारे एक्टिवेटेड, ये सारे के सारे डीएक्टिवेटेड। एक्सप्लेन कैसे किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से एक एक्सप्लेन कर लिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, रिएक्शन आसान हो जाएगा, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा। फिर इसी को हम लोग कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकटायन बनता है। रिएक्शन जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जनरल मैकेनिज्म हम लिखे तो हम कहेंगे कि ये है देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग से रिएक्शन किया, रिएक्शन किया तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल चलो जोड़ दिया, यहां पर प्लस आ गया, और फिर यहां से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ब्रेक करके इलेक्ट्रॉनों को तुम अंदर कर लेते हो, अंदर कर लेते हो तो रिएक्शन पूरा हो गया और H जो है वो बाहर निकल गया पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो पहला स्टेप क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, स्टेबल से अनस्टेबल। और दूसरे स्टेप में क्या है, ये अनस्टेबल है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है। तो यहां पर क्या है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, इट्स गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। पहला स्टेप जो है वो मुश्किल है, डिफिकल्ट है, और दूसरा स्टेप क्या है, ये आसान है, इजी है। पहला स्टेप मुश्किल है और यही इसका स्लो स्टेप है, दूसरा स्टेप इजी है और फास्ट है। और जो स्लो स्टेप होता है हम लोग कहते हैं ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रिएक्शन का रेट इसी पर डिपेंड करता है। तो किसी तरह से अगर इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए तो रिएक्शन आसान हो जाएगा, और किसी तरह से इसकी स्टेबिलिटी और घट जाए तो रिएक्शन मुश्किल होगा। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, आंसर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ती है। कैसे घटती है, आंसर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से घटती है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, और कैसे घटती है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से। तो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इनके प्रेजेंस में पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है, इनके प्रेजेंस में पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी घट जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब जो रिएक्शन मुश्किल से हो रहा था कुछ तो आसान हो जाएगा, तो रिएक्शन ओवरऑल आसानी से थोड़ा होने लगेगा। स्टेबिलिटी घटने का मतलब रिएक्शन पहले से मुश्किल था और मुश्किल हो गया, तो जैसे हो रहा था अब उससे भी ज्यादा मुश्किल हो गया, रिएक्शन और भी धीरे धीरे होगा। तो ये सारे ग्रुप्स इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और ये सारे ग्रुप्स कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। ये सारे ग्रुप्स कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे, ये सारे ग्रुप्स कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन थोड़ा आसान हो जाएगा, स्टेबिलिटी को घटाएंगे तो रिएक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्टिवेशन हुआ है, यहाँ पर डीएक्टिवेशन हुआ है। तो जो हमारा एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन है उसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से तो एक्सप्लेन कर ही सकते हैं, हम लोग इस कार्बोकटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कौन कौन से रिंग्स एक्टिवेटेड है,
ये एक्सेप्शन, इस पर अलग से डिस्कशन करना है हमें। ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले एक्टिवेटेड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले डीएक्टिवेटेड है। एक्सप्लेन कैसे करोगे? दो रास्ते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रास्ता जो हमने पिछले क्लास में सीखा था, और फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वाला रास्ता जो अभी अभी हमने तुमको समझाया। फिर थोड़ी सी बात इस क्लोरोबेंजीन वाले सिचुएशन में। देखो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने का मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। लेकिन साथ ही साथ क्लोरीन जो है रिंग को वीक डीएक्टिवेशन भी प्रोवाइड करता है। डीएक्टिवेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो रिएक्शन आसानी से होना चाहिए था, लेकिन रिएक्शन मुश्किल से हो रहा है। बेंजीन की तुलना में अगर हम केवल बेंजीन ले और क्लोरोबेंजीन ले, तो क्लोरोबेंजीन थोड़ा मुश्किल से रिएक्शन करता है, जबकि बेंजीन क्या है, आसानी से रिएक्शन कर ले जा रहा है। अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दो चीजें अपोजिट। एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट करने में रिएक्शन हमेशा आसान होता है, फिर रिएक्शन मुश्किल क्यों हो जा रहा है, वो हमको समझना है। ठीक, और आधा तो सही ही है, डोनेट कर रहा है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव अभी भी बना हुआ है, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव अभी भी बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव तो है, लेकिन एक्टिवेटिंग न होकर के डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। हल्का सा डीएक्टिवेटिंग, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत स्ट्रांग नहीं, थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग है। तो इस चीज को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम कहेंगे कि देखो, क्लोरीन करता क्या है, ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ठीक, इतना तो हम समझ ही रहे हैं, क्लोरीन जो है अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा है, इसको तुम कह रहे हो रेजोनेंस। ठीक, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच भी रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है। तो एक तरफ वो लोन पेयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। और नॉर्मली जो रेजोनेंस होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम मोस्ट ऑफ द केसेज में रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट अगर साथ में है तो इंडक्टिव इफेक्ट को भूल ही जाते हैं, केवल रेजोनेंस से ही अपना सारा काम बन जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस में रेजोनेंस थोड़ा कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखोगे तो 3p ऑर्बिटल, और कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो 2p ऑर्बिटल। तो 2p ऑर्बिटल छोटा है, 3p ऑर्बिटल बड़ा है, साइड वाइज ओवरलैप अच्छे से नहीं होगा। ठीक, पुअर ओवरलैप, पुअर रेजोनेंस। जबकि यहां पर देखो, नाइट्रोजन में देखोगे 2p ऑर्बिटल, कार्बन में 2p ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल बराबर साइज के, साइड वाइज ओवरलैप खूब अच्छे से होगा। ध्यान देना, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम साइड वाइज ओवरलैप की बात कर रहे हैं, जो कि पाई बॉन्ड में शामिल होता है। तो साइड वाइज ओवरलैप होगा जब नाइट्रोजन का ऑर्बिटल कार्बन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तभी रेजोनेंस होगा, नहीं तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल क्या है? 2p। कार्बन का ऑर्बिटल क्या है? 2p। खूब अच्छे से रेजोनेंस होगा। ऑक्सीजन 2p, कार्बन 2p, खूब अच्छे से रेजोनेंस होगा। जबकि यहां क्या है? क्लोरीन 3p, कार्बन 2p, रेजोनेंस अच्छे से नहीं हो रहा है, इसीलिए रेजोनेंस थोड़ा कमजोर पड़ जा रहा है। और जब रेजोनेंस कमजोर पड़ जा रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी बीच में अपना हाथ पैर मारना शुरू कर देता है कि हम भी है इसी जगह। तो एक तरफ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक तरफ ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, दोनों का नेट रिजल्ट ये थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है। ठीक, इसी वजह से क्लोरीन थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कह दो, इसने 100 रुपए का डोनेट किया तो इसने 110 रुपए का खींच लिया, 10 रुपए का इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। 100 रुपए का डोनेट किया, 110 रुपए का खींच लिया। यही वजह है कि हम लोग यहां पर देखते हैं कि क्लोरीन रिएक्शन में थोड़ा डीएक्टिवेशन प्रोड्यूस करता है, राइट? लोन पेयर डोनेट करने के बावजूद ये रिएक्शन में डीएक्टिवेशन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने में भी लगा है। तो लोन पेयर डोनेट करने की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर ही रिएक्शन करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग भी है, तो हल्का सा डीएक्टिवेटिंग है, राइट? तो इसको ध्यान में रखेंगे कि क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है लेकिन एक्टिवेटिंग नहीं है, डीएक्टिवेटिंग है। बाकी सब क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव और एक्टिवेटिंग है। क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव और डीएक्टिवेटिंग है,
और ये सब क्या है, मेटा डायरेक्टिव है और डीएक्टिवेटिंग है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव एक्टिवेटिंग, ये सब मेटा डायरेक्टिव डीएक्टिवेटिंग, और क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बट वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, राइट। इसके बाद एक और पार्ट था कि इन सबको रिएक्टिविटी के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आसानी से रिएक्शन करेगा, कौन मुश्किल से रिएक्शन करेगा। तो देखो, जो जितना जोर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिएक्शन को उतना आसान बना देगा, जो जितना जोर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिएक्शन को उतना आसान बना देगा, और जो जितना जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो रिएक्शन को उतना मुश्किल बना देगा। इट्स सो सिंपल। पहले दोनों केसेज में आओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा, नाइट्रोजन लोन पेयर आसानी से डोनेट करता है कि ऑक्सीजन लोन पेयर आसानी से डोनेट करता है? तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में थोड़ी कंजूसी करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा है तो डोनेट करने का पावर तो कम हो ही जाएगा। तो नाइट्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसीलिए अपना लोन पर आसानी से डोनेट कर पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल से डोनेट कर पाएगा। ये ज्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, ये ज्यादा एक्टिवेटेड, ये कम एक्टिवेटेड, ये ज्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव। इसमें आ जाओ, ओ एच और ओ सी एस थ्री, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना होगा तुम्हें। देखो होता क्या है, ये जो ओ एच होता है, इस ओ एच में से H निकल सकता है, H निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तो O पर माइनस और H पर प्लस, ठीक। और जब O पर माइनस आ जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन और आसानी से डोनेट करेगा, ठीक। O पर माइनस आएगा, H पर प्लस आएगा, माइनस आने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा और अच्छे से डोनेट करेगा। CH3 निकल नहीं सकता है, CH3 नहीं निकल सकता है, तो ओ पर माइनस उस तरह से नहीं आएगा जैसे यहां पर आ पा रहा था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा कमजोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी तुलना में थोड़ा सा कमजोर हुआ। तो सबसे आसानी से नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में भी ओ एच और ओ के बाद कोई एल्किल ग्रुप है, तो एच होने पर एच आसानी से हट जाता है, ऊपर माइनस आता है, माइनस आने का मतलब ये और जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसीलिए ज्यादा एक्टिवेटिंग या कम एक्टिवेटिंग। इसमें आ जाओ, नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर है, लेकिन इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग को तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ इसको मैं यहां बना दे, लोन पेयर एक तरफ तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, दूसरी तरफ ये लोन पेयर जो है ये इधर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ भी रेजोनेंस में बिजी है, दोनों तरफ इधर भी रेजोनेंस कर रहा है उधर भी रेजोनेंस कर रहा है। और सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, यहां देखो, यहां देखो, सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, हालांकि ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, बीच में नाइट्रोजन है, फिर बेंजीन रिंग है, फिर उधर सी डबल बॉन्ड वो है, तो ये बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींच पाएगा, लेकिन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ना, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर को ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो कह दो लोन पेयर जो है 80% इधर की तरफ और 20% बेंजीन रिंग की तरफ, ध्यान देना 80% इस सी डबल बॉन्ड ने लोन पेयर को अपनी तरफ खींच रखा है। ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है, किसी कैलकुलेशन से प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट अपना एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं, इतना दिन से पढ़ते पढ़ाते हमको समझ में आता है कि कैसे चीजों को तुम्हें आसानी से समझाया जा सके। तो हमने 80-20 का रेशियो बढ़ दिया तुम्हारे आसानी के लिए, कि लोन पे 20% इधर 80% उधर, ठीक। अब पूछो कि कैसे किया, तो ये कैसे हम नहीं बता पाएंगे, राइट, ये एक्सपीरियंस है कि 80% इलेक्ट्रॉन उधर भाग गया, 20% इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो जब नाइट्रोजन अपना लोन पे 20% इधर दे रहा है, ऑक्सीजन अपना लोन पर 100% दे रहा है, 100% दे रहा है, 100% दे रहा है, तो डेफिनेटली जो है इसका जो डोनेटिंग पावर है रिंग के लिए कम हो जाएगा, क्योंकि 80% पावर तो उधर खर्च हो गया, 20% पावर इसका रिंग को मिल रहा है, तो ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, रिएक्शन को आसान बना रहा है, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा कमजोर है। तो इससे कमजोर ये, इससे कमजोर ये, इससे कमजोर ये, ठीक, घटते क्रम में सब चलते चले जा रहे हैं। यहाँ लोन पर सबसे आसानी से डोनेट करेगा, यहाँ थोड़ा मुश्किल, यहाँ थोड़ा और मुश्किल, यहाँ लोन पेयर को 80% इसी ने पकड़ रखा है, तो 20% ही डोनेट कर पा रहा है, इसीलिए थोड़ा और मुश्किल लोन पेयर को डोनेट करना, थोड़ा और मुश्किल। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है ही नहीं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो इसीलिए थोड़ा और मुश्किल होगा डोनेट करना, इसका डोनेटिंग पावर थोड़ा और नीचे चला गया, राइट।
तो अगर हम एक्टिवेशन के मामले में देखें तो ये सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है, ये थोड़ा कम एक्टिवेटेड, थोड़ा और कम एक्टिवेटेड, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, और क्लोरीन वाला तो डीएक्टिवेटेड है। ठीक, ये सब एक्टिवेटेड है, ये डीएक्टिवेटेड है। तो रिएक्टिविटी यहाँ ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर और कम। इसके बाद इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स हमने लगा रखे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स रिएक्टिविटी को और डाउन कर देते हैं। तो रिएक्टिविटी यहाँ पर और कम हो गई, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिएक्टिविटी कम हो गई, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इन दोनों में तुलना करनी हो तो कैसे तुलना करेंगे, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो सी डबल बॉन्ड ओ तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर एच लगा हुआ है और यहाँ पर ओ, ओ के बाद आर, आर मतलब कोई एल्किल ग्रुप। एच कुछ नहीं करता है, ठीक, एच को कुछ नहीं करना है, लेकिन ये ओ क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसी में डोनेट करेगा, अपना लोन पेयर इस सी डबल बॉन्ड ओ को दे देगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ क्या कर रहा है, एक तरफ तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। कुछ ऐसा सिचुएशन कि तुम खाना खाने जा रहे थे, ठीक उसके पहले किसी दोस्त ने तुम्हें जो है एक समोसा, एक बर्गर और एक पिज्जा खिला दिया, अब तुम खाना अच्छे से खा नहीं पाओगे। तो अगर ये चीज ना होता तो सी डबल बॉन्ड वो बहुत जोर से बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन खींचने वाला था, लेकिन इधर इसने क्या किया, समोसा खिला दिया, ये लो समोसा, ठीक, लोन पेयर डोनेट कर दिया, इसको लोन पेयर मिल गया। तो जब इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन लेने में अब ये कम इंटरेस्ट दिखाएगा, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन उतने मन से अपनी तरफ नहीं खींचेगा। तो इसीलिए इन दोनों में यहाँ एच तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको समोसा खिला दे रहा है, जब समोसा खिला दे रहा है तो ये खाना अच्छे से नहीं खाएगा। तो ये खींचने के मामले में थोड़ा कमजोर है, इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में थोड़ा कमजोर है, ये थोड़ा स्ट्रांग है, ये और जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिएक्टिविटी और नीचे चली गई। और नाइट्रो ग्रुप, ठीक, इसके बारे में बस इतना ही कहना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं सबके अंदर, उन सब में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है ना, इसका स्ट्रक्चर बाकी सबसे अलग है, तो हम सीधे स्ट्रक्चर के बेसिस पर कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। रीजन, एक तो वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ही, नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज भी, इस प्लस के चार्ज की वजह से जोर से इलेक्ट्रॉन खींच पाता है, तो ये बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो खूब जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रिंग को बिल्कुल डीएक्टिवेट कर देगा और रिएक्शन सबसे स्लो यहीं होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जहां, यहां पर सबसे आसानी से क्योंकि नाइट्रोजन सबसे आसानी से लोन पर डोनेट करेगा, यहां सबसे मुश्किल से क्योंकि ये बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और यहां से इस तरह से तुम आगे बढ़ते चले जाओ। तो हमने इन सब कंपाउंड्स को बिल्कुल उसी क्रम में लिखा ही है जिस क्रम में लिखना चाहिए था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, ठीक। रीजन जो बीच बीच में एक्सप्लेन की उनको थोड़ा ध्यान देना कि नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन कम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो लोन पेयर थोड़ा मुश्किल से डोनेट करेगा, फिर इस नाइट्रोजन का लोन पेयर थोड़ा उधर भी फंसा हुआ है इसीलिए थोड़ा और मुश्किल से डोनेट करेगा, यहां लोन पेयर है ही नहीं इसीलिए और मुश्किल से डोनेट करेगा, ये लोन पे डोनेट तो कर रहा है लेकिन इसका जो रेजोनेंस है 2p 3p की वजह से अच्छा नहीं होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है और डीएक्टिवेशन कर देता है थोड़ा सा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इसकी तुलना में ये इलेक्ट्रॉन जब खींचने की बात करेंगे तो ये थोड़ा समोसा खिला दिया तो इधर से खाना खाने में अब इसका मन नहीं लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इतना जोर से नहीं खींच पाएगा जितना यहां पर ये खींचेगा, और नाइट्रो तो फिर सबका जो है चाचा है, इसको पूछना ही मत, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन जो है यही खींचेगा। तो इस तरह से इन ग्रुप्स को ध्यान रखोगे कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में कितना पावरफुल है और कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के मामले में कितना पावरफुल है, ठीक है। खूब अच्छे से डोनेट कर रहा है, थोड़ा मुश्किल से डोनेट कर रहा है, थोड़ा और मुश्किल से डोनेट किया, ये थोड़ा और मुश्किल से डोनेट किया, ये थोड़ा मुश्किल से डोनेट किया, ये हल्का हल्का खींच रहा है, ये थोड़ा अच्छे से खींच रहा है, ये थोड़ा काफी अच्छे से खींच रहा है, और ये बहुत जोर से खींच रहा है, कुछ ऐसा। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमने तुम्हारे लिए प्लान किया है, N, N के साथ H, C, O, इस मॉलिक्यूल में दो बेंजीन रिंग्स है, कह दो ये रिंग A और ये रिंग B, इसका रिएक्शन हम
ब्रोमिनेशन चलो करा देते हैं, ब्रोमीन और FeBr3। ब्रोमिनेशन कौन से रिंग में कौन से पोजीशन पर होगा ये पता लगाना है। तो देखो यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, यहीं से दो पार्ट कर लो। यहां सी डबल बॉन्ड वो है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला पार्ट जो है इस रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है, ये वाला पार्ट इस रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्शन को मुश्किल बनाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्शन को आसान बनाता है। तो ये इस रिंग पर रिएक्शन मुश्किल, इस रिंग पर रिएक्शन आसान, तो रिएक्शन इधर नहीं होगा, रिएक्शन इधर होगा। फिर हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में रिएक्शन ऑर्थो पर होता है और पैरा पर होता है। ऑर्थो मतलब दूसरा पोजीशन, पैरा मतलब चौथा पोजीशन। तो ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ठीक, ये दूसरा पोजीशन, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा पोजीशन। तो रिएक्शन या तो यहां होगा, या तो यहां होगा, या तो यहां होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर भीड़ की वजह से रिएक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक, केवल नाइट्रोजन को नहीं देखना है, इस पूरे ग्रुप को देखे तो बहुत बड़ा ग्रुप है, इसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पर काफी मुश्किलें आएंगी। तो ऑर्थो पोजीशन पर भीड़ की वजह से रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और रिएक्शन मेनली पैरा पोजीशन पर, यहां पर होगा। तो जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है इस रिंग में नहीं, इस रिंग में और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन होगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ऐसा ही मिलता जुलता एक और सिचुएशन। इसके साथ हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, रिएक्शन कहां पर होगा इसमें? तो देखो दो रिंग्स हैं, एक रिंग के साथ नाइट्रोजन है, लोन पेयर डोनेट करेगा, दूसरे रिंग के साथ सी डबल बॉन्ड वो है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर यहीं से हम दो पार्ट कर ले फिर से, तो ये वाला पार्ट इस रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह से, और ये वाला पार्ट इस रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह से। डोनेटिंग वाले में रिएक्शन आसान होगा, अब या तो ऑर्थो पोजीशन पर होगा या तो पैरा पोजीशन पर होगा, ऑर्थो पर थोड़ी मुश्किलें आती है तो रिएक्शन पैरा पोजीशन पर करा दो, और जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे हाथ में आएगा वो ये रहा कि इस वाले रिंग के पैरा पोजीशन पर रिएक्शन, ठीक। एक ऑर्थो पोजीशन तो ब्लॉक था, अगर ये पहला पोजीशन तो ये दूसरा पोजीशन, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये पहला पोजीशन, ये चौथा पोजीशन। तो ये ऑर्थो तो ब्लॉक है, इस ऑर्थो पर भीड़ की वजह से रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन ये पैरा पोजीशन पर लोगों ने कराया और फाइनल प्रोडक्ट डिक्लेयर कर दिया। अगला प्रश्न हम लोगों के लिए, ये कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं हम, यहां पर हमने लिख दिया मिथाइल, यहां पर लिख दिया मिथॉक्सी, फिर हमने लिखा मिथाइल, और फिर हमने लिख दिया NHCOCH3, फिर उसके बाद क्लोरो और मिथाइल, और फिर उसके बाद क्लोरो और नाइट्रो। इन सभी में हम कह दो कोई एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पर रिएक्शन करेगा, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल को अगर इसमें रिएक्शन कराना हो तो इलेक्ट्रोफाइल यहां तो सोचेंगे नहीं, यहां सोचेंगे नहीं, बचे हुए चार पोजीशंस में से कौन पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा। तो अभी इसके पहले क्या था, एक ग्रुप हुआ करता था, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता था या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता था। तो हम कहते थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऑर्थो पर, नहीं तो पैरा पर, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटा पर रिएक्शन हो जाएगा। इस बार दो दो ग्रुप है, इन दोनों की उपस्थिति में इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? तो जब दो दो ग्रुप्स है तो जो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है रिएक्शन उसके हिसाब से होता है, सो सिंपल।
ठीक, अगर एक से ज़्यादा ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं तो जो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग होगा। तो मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मिथॉक्सी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मिथाइल क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा और इसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। तो डेफिनेटली ये पावरफुल हुआ, ये कम पावरफुल हुआ, ये अच्छा डोनर, ये खराब डोनर, ये ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, ये कम एक्टिवेट करेगा, और रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग होगा जो ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। तो ज़्यादा एक्टिवेट कौन करेगा? ये रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पर, इसके पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन मतलब दूसरा पोजीशन, ये पहला ये दूसरा, पैरा मतलब चौथा पोजीशन, ये पहला ये चौथा, ये तो खाली ही नहीं है। रिएक्शन इसके हिसाब से होगा, या तो इसके ऑर्थो पर, ऑर्थो एक यहाँ है एक यहाँ है, एक ऑर्थो यहाँ हुआ एक ऑर्थो यहाँ हुआ, और इसका पैरा यहाँ पर जाएगा, पैरा पर जगह ही नहीं खाली है, तो रिएक्शन या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, चूंकि दोनों आपस में बराबर है तो तुम किसी भी तरफ करा लो फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो हमने यहीं जोड़ दिया, तो इस बार जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, कह दिया यहां पर लगा दो। इन दोनों में देखो कार्बन क्या करेगा, वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, मतलब CH3 क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। तो ये ज्यादा एक्टिवेटिंग कि ये ज्यादा एक्टिवेटिंग, तो डेफिनेटली ये ज्यादा एक्टिवेटिंग, रिएक्शन इसके हिसाब से होगा। और ये डोनेटिंग ग्रुप है तो या तो आर्थो पर होगा या तो पैरा पर होगा, पैरा खाली नहीं है तो आर्थो पर रिएक्शन करा दो। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो फिर आर्थो पोजीशन पर, पैरा खाली नहीं था ध्यान देना, जब पैरा नहीं खाली रहेगा तो आर्थो पर ही रिएक्शन करना पड़ेगा ना। इसमें आ जाओ, क्लोरीन थोड़ा थोड़ा डीएक्टिवेट करता है, मिथाइल एक्टिवेट करता है, जो ज़्यादा एक्टिवेटिंग है उसी के हिसाब से रिएक्शन होगा। तो ये डीएक्टिवेटिंग ये एक्टिवेटिंग, मतलब रिएक्शन इसके हिसाब से होगा, इसके ऑर्थो पर या इसके पैरा पर, ऑर्थो पर जगह खाली है, पैरा पर जगह नहीं खाली है। अगर इलेक्ट्रोफाइल इसमें रिएक्शन करेगा तो इसके हिसाब से करेगा, इसमें आ जाओ, ये थोड़ा थोड़ा डीएक्टिवेटिंग, ये खूब जोर से डीएक्टिवेटिंग, तो रिएक्शन इसके हिसाब से या इसके हिसाब से। तो ये बहुत डीएक्टिवेटिंग है, इसके हिसाब से रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसके हिसाब से रिएक्शन होगा, इसके ऑर्थो पर या इसके पैरा पर, पैरा खाली नहीं है सो ऑर्थो पर। तो इस तरह से जरूरत पड़ने पर दो दो ग्रुप साथ में आ जाए तो जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है उसके हिसाब से रिएक्शन होगा। इन दोनों में ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है, इसके हिसाब से रिएक्शन होगा। इन दोनों में ये थोड़ा डीएक्टिवेटिंग, ये एक्टिवेटिंग, इसके हिसाब से रिएक्शन होगा। इन दोनों में ये थोड़ा थोड़ा डीएक्टिवेटिंग, ये बहुत जोर से डीएक्टिवेटिंग, तो रिएक्शन इसके हिसाब से होगा। तो जब दो दो ग्रुप रहेंगे तो हमें ध्यान से सोच समझ करके फैसला लेना है कि किसके हिसाब से रिएक्शन कराना और रिएक्शन कहाँ पर होगा। ओके चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ठीक, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन हमको कराना है। तो यहां पर कुछ कंपाउंड्स लिख रहे हैं, बेंजीन मिथाइल लगा देते हो तो मिथाइल बेंजीन, या इसको टॉलुइन भी कहते हो, क्लोरीन लगा दिया क्लोरोबेंजीन, NH2 लगा दिया तो एनिलीन कहते हो, OH लगा दिया नाइट्रोबेंजीन, सॉरी हमारा ध्यान कहीं और चला गया था, एग्जैक्टली अगला हमको नाइट्रोबेंजीन बनाना था तो मेरा ध्यान वहां चला गया था, नाइट्रोबेंजीन, और OH के साथ फिनॉल कहते हो। इनमें से कौन कौन से सिचुएशंस में फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन हो पाएगा, कौन कौन से सिचुएशन में फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन का एक रिएक्शन हम लोग देखें होता क्या है, हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था ना, बेंजीन के साथ अगर हम RCOCl और AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो रिजल्ट क्या होता है, क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस,
जब कार्बन पर प्लस आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल बन करके बेंजीन पर अटैक करेगा और तुम्हें ये रिजल्ट मिलता है। यह है एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या है कि कोई एल्किल क्लोराइड ले लिया, AlCl3 ले लिया, और जब रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन पर माइनस, एल्किल पर प्लस, और ए पॉजिटिव एल्किल बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल बन करके रिएक्शन करेगा। तो ये एसाइल ग्रुप के साथ एसाइलेशन, एल्किल ग्रुप के साथ एल्काइलेशन, ठीक है। रिएक्शन हम पहले से जानते हैं, पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है हमने। तो ये रिएक्शन इसमें कहाँ कहाँ हो पाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं हो पाएंगे, तो ध्यान देना, एक सिंपल सी बात है। मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स के ऊपर नहीं चलते हैं, ठीक। ये केवल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स के ऊपर चलते हैं। मेटा डायरेक्टिव में होता क्या है, रिंग इतना अनरिएक्टिव हो चुका रहता है कि वो फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं कर पाता है। तो इसमें जहां जहां मेटा डायरेक्टिव है खोज लो। तो नाइट्रो वाला क्या है, ये मेटा डायरेक्टिव है, बाकी सभी जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, और बेंजीन में तो कुछ है ही नहीं, ठीक। इसमें कुछ नहीं है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिव है। तो इसमें फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। बेंजीन के साथ तो होता ही, हमने एग्जांपल ही लिख रखा है, तो बेंजीन में तो चलो ओके कर दिया, इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, यहां पर भी रिएक्शन होगा, ऑर्थो पोजिशन पर होगा, पैरा पोजिशन पर होगा। क्लोरीन के साथ यहां पर भी रिएक्शन होगा। NH2 के साथ रिएक्शन नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, इसके लिए एक स्पेशल रीजन है। रीजन को हम लोग समझे, जब इसका मैकेनिज्म लिखते हैं तो मैकेनिज्म हम कैसे लिखते हैं, हम लोग मैकेनिज्म लिखते समय कहते हैं कि ये जो AlCl3 है क्या करता है, क्लोरीन को पकड़कर बाहर निकाल लेता है, RCOCl एंड AlCl3, क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर डोनेट करता है तो लोन पेयर डोनेट करने से क्लोरीन पर प्लस और एल्यूमिनियम पर माइनस। जब क्लोरीन पर प्लस आता है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर प्लस आ जाएगा, सो RCO प्लस। और अब ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके फाइनली दो स्टेप में रिएक्शन पूरा करोगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, जब इसको यहां जोड़ोगे तो यहां पर प्लस आ गया, और फिर उसके बाद यहां से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन अंदर किया और रिएक्शन पूरा हो गया। तो रिएक्शन का ये फुल मैकेनिज्म। तो AlCl3 का रोल क्या है, क्लोरीन से लोन पर एक्सेप्ट करना है और क्लोरीन को बाहर निकलने में मदद करनी है, ठीक। इसके साथ जब तुम AlCl3 लोगे तो AlCl3 क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर को पहले पकड़ लेगा। ध्यान देना, क्लोरीन की तुलना में नाइट्रोजन बहुत अच्छा डोनर है, तो नाइट्रोजन ने लोन पर एल्युमिनियम को डोनेट किया, एज अ रिजल्ट एन के साथ NH2, ऐसे लिख देते हैं NH2, नाइट्रोजन ने लोन पर डोनेट किया, नाइट्रोजन पर आया प्लस और AlCl3 एल्युमिनियम पर आया माइनस। तो एक तो ये हुआ कि तुम्हारा AlCl3 बेकार हो गया, जो AlCl3 को यहां पर काम करना था वो AlCl3 नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने में बर्बाद हो गया। चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम और ज़्यादा AlCl3 ले लेंगे। जैसे होता है ना कि अगर घर में हमें किसी सामान को, हम कोई सामान ला रहे हैं और हमको पता है कि हमारे घर में जो लोग हैं वो सामान ख़राब भी कर देते हैं, तो हमको अगर 10 सामान चाहिए तो हम 20 सामान लेकर के आएंगे कि चलो 10 ये ख़राब भी कर देंगे तब भी बाकी 10 से अपना काम हो जाएगा। तो इस NH2 ने क्या किया, लोन पे डोनेट कर दिया एल्यूमिनियम को और AlCl3 ख़राब हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम AlCl3 ज़्यादा मिला देंगे, ख़राब होने के बावजूद भी इतना बचा रहेगा कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी रिएक्शन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास जब तक लोन पेयर था तब तक डोनेट किया, जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब ये नाइट्रोजन लोन पेयर नहीं डोनेट कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो गया, ठीक। अभी तक डोनेट करने वाला ग्रुप था, अब यही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो ये मेटा डायरेक्टिव है, मेटा डायरेक्टिव है, और मेटा डायरेक्टिव होने की वजह से रिएक्शन इसमें नहीं हो पाएगा। तो ये डायरेक्टली मेटा डायरेक्टिव था और ये इनडायरेक्टली AlCl3 के साथ मिलकर के अपने आपको बदल देता है और नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज आ जाता है, और ये जो ग्रुप अब दिखाई पड़ रहा है ये मेटा डायरेक्टिव, इसीलिए रिएक्शन अब नहीं हो पा रहा है, ठीक। ऑक्सीजन के साथ भी कुछ उसी तरह की परेशानी है, ऑक्सीजन भी अपना लोन पर AlCl3 को डोनेट कर सकता है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन उतना अच्छे से डोनेट करता नहीं है इसीलिए 50-50 बीच में फंसा रहता है,
रिएक्शन हो जाएगा लेकिन अच्छे से नहीं होगा, मतलब जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए उतना प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, कुछ परसेंट प्रोडक्ट बनेगा बाकी इसे पड़ा रह जाएगा। तो इसमें रिएक्शन हो जाएगा, ठीक, अगर पूछना है जस्ट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन खराब कन्वर्जन, खराब परफॉर्मेंस, जितना परसेंट प्रोडक्ट बनना चाहिए, जैसे 1 किलोग्राम प्रोडक्ट बनना चाहिए तो हो सकता है बस 250 ग्राम प्रोडक्ट बने, बाकी 800 ग्राम ऐसे ब्लॉक हो चुका है। तो कौन कौन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन कर पाएगा? बेंजीन आसानी से कर पाएगा, टॉलुइन ये डोनेटिंग ग्रुप है, रिएक्शन में मदद करेगा, हो जाएगा। क्लोरीन थोड़ा थोड़ा डीएक्टिवेट करता है लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप मीटा डायरेक्टिव ग्रुप है, ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। NH2 में रिएक्शन होना चाहिए था लेकिन इसने लोन पर एल्युमिनियम को दे दिया, इस पर प्लस आ गया, डीएक्टिवेटेड हो गया, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन भी लोन पर डोनेट करता है लेकिन 50-50, ये जैसे तुम 1000 मॉलिक्यूल लेकर के चलोगे तो सब नहीं डोनेट करेंगे, 1000 में से कह दो 500-600 मॉलिक्यूल्स ने डोनेट किया, बाकी 300-400 मॉलिक्यूल्स ने नहीं डोनेट किया। तो जिन्होंने डोनेट किया उन्होंने रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने नहीं डोनेट किया उन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो रिएक्शन होगा लेकिन प्रोडक्ट जो है 100% नहीं बनेगा। तो फिनॉल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस वे में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन पार्टिसिपेट करेगा, ये डोनेटिंग ग्रुप वाले पार्टिसिपेट करेंगे, NH2 नहीं पार्टिसिपेट करेगा, ये खराब पार्टिसिपेट करेगा और ये भी नहीं पार्टिसिपेट करेगा। इस चीज को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास फिनॉल है, फिनॉल को ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? तो हम लोग समझते हैं कि बेंजीन जब होता है, बेंजीन को तुम रिएक्शन कराते हो ब्रोमीन से, FeBr3 से, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, राइट, मतलब बेंजीन का ब्रोमिनेशन हो गया। फिनॉल में क्या है, OH ग्रुप लोन पेयर डोनेट करके रिंग को एक्टिवेट कर दे रहा है, रिंग एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड मतलब रिएक्शन बड़ी आसानी से होगा, इतनी आसानी से होगा कि ब्रोमीन के साथ FeBr3 लेने की भी जरूरत नहीं है, अकेले ब्रोमीन ही काम कर देगा, ठीक, ब्रोमीन के साथ FeBr3 भी लेने की जरूरत नहीं है, केवल ब्रोमीन से ही काम हो जाएगा और रिएक्शन होगा, और केवल होगा नहीं, केवल होगा कहना कम है, रिएक्शन होगा और बहुत जोर से होगा, इतनी जोर से होगा कि दोनों आर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन तीनों जगह पर रिएक्शन हो जाएगा, यहां भी रिएक्शन हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, तीन तीन बार रिएक्शन होगा, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये इनसॉल्युबल है तो नीचे जाकर डूब जाएगा, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हो। तो ये फिनॉल्स का एक टेस्ट भी है, ये फिनॉल का टेस्ट करना है, ब्रोमीन वाटर मिला दो, अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना तो फिनॉल्स के बारे में थोड़ा इंडिकेशन मिला, हालांकि ऐसा टेस्ट एनिलीन भी देता है। ओके, तो ब्रोमीन को बेंजीन से रिएक्शन करना तो FeBr3 की मदद चाहिए, ब्रोमीन को फिनॉल से रिएक्शन करना है तो कुछ मदद वगैरह नहीं चाहिए, अकेले रिएक्शन कर जाएगा और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, इस वाले अर्थों पर, इस वाले अर्थों पर, इस वाले पैरा पर, सभी जगहों पर रिएक्शन करेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, ऐसा ही रिएक्शन एनिलीन में भी होता है, NH2, ये भी लोन पेयर डोनेट करके रिंग को खूब एक्टिवेट कर देता है, इससे ज्यादा पावरफुल डोनर है NH2, तो ये भी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है, ब्रोमीन के साथ एक्वस सॉल्यूशन रिएक्शन होगा और इतने अच्छे से होगा कि एक बार, दो बार और तीन बार, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, फिर से कलर तो थोड़ा हमें अच्छे से नहीं याद आ रहा है, चलो व्हाइट ही लिख देते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ भी, तो यहाँ भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, यहाँ भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, नहीं घुल रहा है तो नीचे जाके डूब जाएगा, प्रेसिपिटेट तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो इन दोनों में रिंग इतना एक्टिवेटेड है कि ब्रोमीन के साथ FeBr3 भी लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे रिएक्शन हो जाएगा, राइट। फिनॉल पर, फिनॉल में जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी बातें हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल का हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे ना, एक तो पहला क्लास बेंजीन का पढ़ लिया,
दूसरा क्लास जनरल जनरल चीज़ें जाने कि डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग क्या होता है, कब रिएक्शन ऑर्थो पर होगा, कब मेटा पर होगा, कब पैरा पर होगा, और आज के क्लास में उस पर हम लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद फिनॉल इतना स्पेशल है कि फिनॉल पर हम लोगों को अलग से थोड़ी बातें करनी पड़ेंगी। मे बी हम लोग एनिलीन पर भी थोड़ी सी बातें अलग से करें, हालांकि फिनॉल पर समझने के बाद एनिलीन पर करने की बहुत ज़रूरत नहीं रह जाती, लेकिन करेंगे। तो एक क्लास में हम लोग फिनॉल को सेपरेट देखेंगे, फिनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, एनिलीन के इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इनको सेपरेट अलग अलग क्लास में देखा जाएगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, अगर हमें यहाँ से मोनोब्रोमोफिनॉल बनाना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पहुँच जाए, ये कैसे करें? और सेम वे अगर NH2 से अपने को मोनोब्रोमो एनिलीन बनाना है, हम चाहते हैं कि रिएक्शन तीन बार ना हो, बस एक ही बार हो, तीन बार चार बार रिएक्शन ना हो, बस एक बार रिएक्शन हो, बात खत्म, तो ये चीज कैसे होगा, हम कैसे कर सकते हैं? तो फिनॉल में तो बहुत सिंपल है, ब्रोमीन लिया, पानी नहीं लिया, पानी की जगह कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मैनेज कर दिया, और इस टेम्परेचर पर रिएक्शन काफी धीरे धीरे होगा, सॉल्वेंट भी ऐसा है जो रिएक्शन में मदद नहीं करेगा, तो रिएक्शन कंट्रोल में हो जाएगा, और अब तीन बार ना होकर के एक ही बार रिएक्शन होगा, और यही हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। थोड़ा बहुत रिएक्शन ऑर्थो पर भी होगा, तो ऑर्थो वाला इग्नोर करो, थोड़ा बहुत ये भी बनेगा, ऐसा नहीं कि ये वाला नहीं बनेगा, रिएक्शन एक ही बार होगा, ऑर्थो पर हो सकता है, पैरा पर हो सकता है, ये माइनर, ये मेजर, यही मेन प्रोडक्ट है, सो उसको इग्नोर कर दो। तो हमें यही बनाना था, तो ब्रोमीन के साथ वाटर नहीं लिया है, एक्वा सोल्यूशन नहीं लिया है, बल्कि कार्बन डाइसल्फाइड जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ब्रोमीन को टूटने में थोड़ा मुश्किल होगी, नहीं तो ब्रोमीन जल्दी से पोलराइज हो जाएगा ना, ब्रोमीन पर ब्रोमीन जल्दी से टूट जाएगा, पानी रहेगा तो जल्दी से टूट जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में थोड़ा मुश्किल से टूटेगा। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करने से भी रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो एक ही बार ब्रोमिनेशन, या तो पैरा पर या तो ऑर्थो पर, पैरा पर ज्यादा ऑर्थो पर कम, उसको इग्नोर करो, यही हमारा मेन प्रोडक्ट। NH2 के साथ थोड़ा और हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, यहां से यहां पहुंचना है, ये वाला जो हम लोगों ने तरकीब लगाया है, ये वाला तरकीब यहां पर नहीं काम करेगा, यहां पर हमें थोड़ा और मेहनत करनी है, हम इस NH2 को थोड़ा सा बदलेंगे, कैसे बदलेंगे देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, सिंपल सा एक रिएक्शन है, हम NH2 को जैसे ऐसे लिख दे, NH2 को रिएक्शन करा दे किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहीं पर आकर के रिएक्शन करेगा और क्लोरीन अल्टीमेटली निकल जाएगा ना, फिर यहां से जब नाइट्रोजन एक नया बॉन्ड बनाएगा तो एक पुराना बॉन्ड तोड़ोगे ना, एच को भी हटा दोगे, तो ये हो जाएगा NHCOCH3। अभी क्या था, नाइट्रोजन लोन पेयर बेंजीन को डोनेट करके रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिव बना रखा था, अब नाइट्रोजन का लोन पेयर एक तो सी डबल बॉन्ड ओ अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा बेंजीन को भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था ना 80% इसको दे दो, 20% इसको दे दो, मतलब अब भी नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करके बेंजीन रिंग को एक्टिव बना रहा है, लेकिन अब वैसा एक्टिव नहीं बना रहा है जैसा कि यहां पर बना रहा था, ये 100% बेंजीन रिंग के लिए काम कर रहा था, ये 20% काम कर रहा है, तो अब ये रिंग थोड़ा हल्का सा एक्टिवेटेड है, ठीक, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटेड, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड, और ये क्या है, सॉफ्टली एक्टिवेटेड, थोड़ा सा एक्टिवेट किया है, बहुत जोर से नहीं, तो यहां पर रिएक्शन अब ऐसा अनकंट्रोल्ड वे में तीन बार चार बार पांच बार नहीं होगा, बस एक बार होगा, तो इसका रिएक्शन सिर्फ ब्रोमीन से कराना है, ठीक, ब्रोमीन कोई सॉल्वेंट ले लेंगे जैसे CCl4 ले लो या फिर CH2 ले लो, ठीक है, सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, ब्रोमीन को घोलने में थोड़ी मदद करते हैं, तो ब्रोमीन के साथ इसका जस्ट रिएक्शन होने दो, रिएक्शन होने दो, तो तुम देखोगे CO CH3 एंड ब्रोमीन, अपना टारगेट क्या था, ये था
लेकिन हमको मिल गया कुछ और, हम इसमें अब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको पानी के साथ, पानी के साथ हम एसिडिक मीडियम में जैसे HCl ले लिया, बॉयल करेंगे, ये बॉन्ड यहीं से टूटेगा। पानी का मॉलिक्यूल अगर हम ऐसे तोड़े तो H पर प्लस, H पर माइनस, H प्लस इसमें जोड़ दो और H माइनस इसमें जोड़ दो, तो ये हो गया तुम्हारा NH2Br प्लस, ये हो जाएगा CH3COOH। तो इस तरह से जो ये नाइट्रोजन के साथ ये चिपका हुआ था ये निकल कर चला गया और नाइट्रोजन फिर से NH2 के फॉर्म में फ्री हो गया, तो हमें जो बनाना था वो बन गया। क्या क्या हमने हमने तरकीब लगाई, हमने एसिटिल क्लोराइड, इसको एसिटिल क्लोराइड तुम कहते हो, एसिटिल क्लोराइड की मदद ली, एसिटिल क्लोराइड ने इसके साथ रिएक्शन किया, नाइट्रोजन के साथ COCH3 का बॉन्ड बना, अब ये लोन पेयर इसके कंट्रोल में है, 80% इसने कंट्रोल किया हुआ है, 20% रिंग को मिलेगा, सॉफ्ट एक्टिवेशन है, ब्रोमीन एक बार रिएक्शन करेगा, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा ली, पानी के साथ एसिडिक मीडियम में बॉयल किया, थोड़ा सा एसिड लेते हैं बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एसिड लेके बॉयल किया, टूटा, टूट करके। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें समझना, हम इसकी जगह पर चाहे तो ये भी ले सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड में भी बॉन्ड को यहीं से टूटेगा, ये लोन पर लेकर के आएगा, यहीं पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, तो COCH3 फिर ये NH, तो इसी जगह फिर से पहुंचोगे, तो तुम चाहो तो इसकी जगह इसका भी इस्तेमाल करके ये रिएक्शन सीक्वेंस पूरा कर सकते हो, राइट। तो ये हुआ आज का एक्सरसाइज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर, बहुत सारी बातें रह गई थी जो पिछले दो क्लासेज में हम लोग नहीं कर पाए थे, पिछले दो क्लासेज को हम जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल रखना चाहते थे कि पहले तुम कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लो, जब एक बार तुमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर इधर उधर के बहुत सारे पॉइंट्स थे वो सब आज के क्लास में हमने कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के जरिए हल कर दिया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर नियरली जो भी जरूरी बातें हो सकती थी वो सारी बातें हमने तुम्हें इन तीन क्लासेज में समझा डाली है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फिनॉल के ऊपर थोड़े से स्पेशल रिएक्शंस रह गए, फिनॉल स्पेशल थोड़ा रिएक्शंस शो करता है, तो फिनॉल के कुछ रिएक्शंस, सेम वे में एनिलीन के कुछ रिएक्शंस, और भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स होंगे तो वो हम लोग अगले क्लासेज में, आने वाले क्लासेज में देखते रहेंगे। फिलहाल एरोमेटिक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है वो यहीं पर पूरा होता है। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।